भाजपा उमेदवार संतोष पाटील दानवे यांच्या जाफराबादेतील विधानसभा निवडणूक प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन प्रसंगी छत्तीसगढचे माजी आमदार यांनी संतोष पाटील दानवे यांच्या विजयासाठी इथे आलेलो आहो आणि त्यांच्यासाठी कार्यकर्त्यांनी घरोघरी पोहोचून प्रचार करावा असे आवाहन केले व प्रचाराच्या सर्व घडामोडींवर माझं लक्ष असणार आहे असे सांगत संतोष पाटील दानवे यांना विजय करण्याचे आवाहन केले. पाहूयात काय म्हणाले कोयलजी जंगेल ते. आने वाले समय में जब मतगणना होगा 23 को 23 नवंबर को उस भाव को देखता हूँ जिसमें कमल फूल के प्रति और संतोष दानवे के प्रति आपका भाव है और आने वाले समय में एक विधायक ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के एक मंत्री बनाकर इस महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में भेजेंगे. ये भाव मुझे आपके मन में और आपके बोलने का तरीका ताली बजाने का तरीका और संतोष जी की तरफ देखने का जो भाव मुझे महसूस होने लगा है कि जो निर्णय आने वाला है महाराष्ट्र का जो चुनाव है उस चुनाव के निर्णय में भोकरदन विधानसभा में ऐतिहासिक जीत होगा इसका प्रमाण आप सब यहाँ पर उपस्थित है. मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि काफी दिन से यहाँ पर आया हूँ. लगभग एक महीना के करीब हो जाएगा 20 तारीख तक और लगभग आज तक के 80 गांव में मैं जा चुका हूँ और मेरा टारगेट है कि मैं 200 गांव जाऊंगा. 200 गांव जाने वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपका दिया हुआ खाना खा रहा हूँ, आपके साथ पानी पी रहा हूँ. अभी चलते चलते आए तो जो चना को जैसे उनारते हैं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, चना डाल रहे हैं उसको, हाँ तो उसको मैं लगभग एक राउंड ऐसा मैं चला के आ रहा हूँ. मैं एक किसान के घर उनको पूछा, मैं वीडियो डालूंगा रात में, उनको पूछा मैं कि आप कहाँ के हो तो बताया अपना गांव बताया. गांव बताने के बाद सब कुछ बात किया, फिर एक पाइप भी फूट गया तो वहां पर बैठा था. उसके बाद पूछा कि आप चाह क्या रहे हैं इस विधानसभा में, तो बोले कि हमारे पास संतोष के अलावा कोई है नहीं. संतोष दानवे ही नेता है, एक हमारे ऐसा नेता है जो इस क्षेत्र के विकास किया हुआ है, हम सबके दुख में खड़ा होता है, खेती और किसानी के साथ में सबके साथ चलता है. ऐसे नेता को हम विधायक बनाकर महाराष्ट्र के विधानमंडल में भेजेंगे, ये उन्होंने मुझे कहा. वहां से खेत से निकलकर जफराबाद आया हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके शक्ति केंद्र में भी गया हूं, जिला परिषद के जो सर्कल होता है वहां पर भी गया हूं. ऐसे लगभग कोशिश किया हूं कि आपके बीच में आ जाऊं और मेरे कहने से आप पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ विश्वास है कि आपके जो मन में भाव पैदा हो रहा है एक इतिहास रचने का है, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराने का है, इस क्षेत्र में राव साहब जी का नाम, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे पुल निर्माण हो, चाहे वो पानी का जो नदी को बांध करके हमारे तरफ फाल बोलते हैं उसको, हाँ वो बनाए हो, ऐसे कई काम हमारे दानवे साहब जी ने इस क्षेत्र का विकास किया है. उस क्षेत्र के विकास के बदले में आपको कमल फूल में बटन दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन काम करना है. मैंने शक्ति केंद्र के बैठक और परिषद में कहा कर निकला हूँ कि आप सब गांव में बैठक करें और बैठक करने के बाद डोर टू डोर जाना चालू करें. मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं हाथ उठवाऊंगा भी नहीं, मैं जब आपके गांव में जाऊंगा तो एक आध जगह जाकर के बूथ में जाकर के देखूंगा कि आप वास्तव में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, घर के मेंबरों से आप चरण छूकर प्रणाम करके आप विनती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सिर्फ संतोष दानवे के लिए नहीं, इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए, हमारे साहब को मंत्री बनाने के लिए आप उस घर के दरवाजे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस बात को मैं जरूर आपके बीच में आकर पूछूंगा. और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो आपसे वादा किया है और आपने मुझसे वादा किया है कि हम घर घर जाएंगे, घर के दरवाजे पे जाएंगे, माता और पिता का चरण छुएंगे, कमल फूल के लिए वोट मांगेंगे और हम सब आशीर्वाद मांगेंगे. सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे विश्वास दिलाया है, इस विश्वास को आप कायम रखेंगे. क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, बहुत दूर से हूं, मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है, सिर्फ एक ही परिचय है, वो परिचय है कमल फूल, जिस फूल के ताकत में, कमल के ताकत में, मोदी जी के परिचय में आप सबके बीच में बैठा हूं. आप सब मेरे परिवार है, मैं आपके परिवार के सदस्य हूं. मेरे हाथ जोड़कर विनती है आप सब कमल फूल छाप के लिए काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे. भाई संतोष जी को आप विधायक तीसरी बार बनाकर प्रचंड बहुमत से, एक ने कहा कि हम इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पिछले बार 32,000 से जीते थे, इस बार हम डबल वोट से जिताएंगे, ये उन्होंने वादा किया है, उस वादा को आप पूरा करेंगे. मैं भी छत्तीसगढ़ जाऊंगा तो सीना तान के जाऊंगा, मैं भी जब छत्तीसगढ़ जाऊंगा मराठा महाराष्ट्र के भाव को लेकर जाऊंगा, जब मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा तो मैं डंके के चोट में बताऊंगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को संतोष भाई को जीता कर आया हूं, ये कहने का मुझे अवसर मिल जाए.
यही बात कहना था, क्योंकि मैं आपके बीच में आऊंगा, हो सकता है कब किसके पास पहुंच जाऊं पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, बस आपका परिणाम देश को अच्छा है, जफराबाद का निर्णय अच्छा है और यहाँ पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, यही अपेक्षाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।